नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की एक कोर्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तानी एक पाकिस्तान का राजदूत है जो अभी अमेरिका में बैठा हुआ है और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो किसी के पल्ले और समझ में नहीं आ रही है, जो एक राजदूत को करनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों अभी हालिया जैसे पाकिस्तान का हालात पूरे विश्व ने कर रखा है, तरबदर इनको कर रखा है, बायकॉट इनको कर रखा है, ना ही तो इनके साथ कोई ट्रेड करना चाहता है और ना ही इनके पास कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, ना ही कोई गेम खेलना चाहता है। उसी हालात में अभी इनके मीडिया वाले कुछ कुछ इन पे क्वेश्चन मार्क उठाने लग गए हैं, क्योंकि हर जगह से इनको नो आता है, तो कहीं ना कहीं इनको अभी वापसी पैसे देने का भी दबाव आ चुका है, क्योंकि जिन देशों ने इनको पैसे दे रखे हैं उनका भी दबाव आ चुका है। तो ये जो राजदूत है ये भी अपनी ओछी मानसिकता अमेरिका में बैठ के एक पाकिस्तान की मीडिया के साथ मेर खान के साथ दर्शा रहा है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट और इस डिबेट को आप पूरा देखें और समझे ये इनकी मेन मानसिकता क्या है, ये चाहते क्या है, क्योंकि इनकी मानसिकता तो वैसे आतंकवादी वाली ही है, इससे ऊपर कुछ है नहीं। बाकी आप वीडियो देखें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों में लोग अपनी घरेलू इस्तेमाल की चीजें बेचने पर मजबूर हो गए हैं और लोगों के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। जिस वक्त अमरीकी सदर इक़वामे मुत्तहिदा से खताब कर रहे थे, एन उस वक्त अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कह तो रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे, लेकिन अमरीका की अफगानिस्तान के खिलाफ 20 साल जंग के बाद अफगानिस्तान में रोटी नहीं मिल रही और बच्चे मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीनों पर AFP के एक फोटोग्राफर की तस्वीर देख रहे हैं कि जिसमें एक औरत बच्चों में रोटी तकसीम करती दिखाई दे रही है। बात करते हैं एजाज अहमद चौधरी साहब से, डिप्लोमैट हैं और एम्बेसडर टू ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स रह चुके हैं। मिस्टर एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग अस। सर फरमाइएगा, वजीर आजम ने तो ये ऑफिशियली कहा है कि जब तक बैनुल अक़वामी सतह पर कंसेंसस नहीं डेवलप होता हम तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, मगर हमें दुनिया मान नहीं रही, हमारे लेवरेज और हमारी इंटरफेरेंस के हवाले से अभी भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें वो करना है जो हम दुरुस्त समझते हैं। दुनिया तो पहले कौन से सारे काम उन्होंने दुरुस्त किए हैं, 20 साल अफगानिस्तान में वो खाना जंगी की, हम कहते रह गए कि भाई अस्करी हल नहीं है, और अगर अस्करी हल होगा तो वो जरूरी नहीं है कि आपका ही हो, दूसरे का भी हो सकता जो हुआ। तो मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में जो असूली मौकफ हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे वजीर आजम ने लिया है इस मौके पर वो दुरुस्त है। अफगानिस्तान का मामला अफगानों को खुद हल करना है, लेकिन हमारी तरफ से तजवीज जाना मुनासिब है कि अगर आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो वहां पे पायदार अमन आएगा। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम चीज है स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, क्योंकि हमने अफगानिस्तान की बदअमनी से बहुत ज्यादा सफर किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त हमारा मौकफ है, मुझे इसमें कोई आर नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में बाकी खित्ते के ममालिक भी और आहिस्ता आहिस्ता मगरब भी इस तरफ चला है। सर मगर इसके बावजूद अमेरिका जो है वो वेट एंड सी पॉलिसी पाकिस्तान के साथ इख्तियार किया हुआ है, वो कहते हैं हमारे इंटरेस्ट जो है, मुफादात जो है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के साथ सारे कन्वर्ज नहीं करते और हम देख के फैसला करेंगे हमें किस तरह का रिश्ता चाहिए अमरीका के पाकिस्तान के साथ। वो उसकी वजह हम तो नहीं है, उसकी वजह तो अमरीका खुद है। देखिये एक सुबह की हुई, एक हजीमत का सामना है, अब उसमें कोई स्केप वोटिंग करनी है, पाकिस्तान पे फिर दोबारा स्केप वोटिंग करनी शुरू कर दी कि ये तो कोई बात ना हुई कि ब्लिंकन साहब ने वहां पे कांग्रेस हेयरिंग में जाके सारा इल्जाम पाकिस्तान पे ऐसे धर दिया, जबकि वहां पे मुसलसल, मैं आपको बताऊं, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूं कि मेरे को 60-70 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से वन ऑन वन मिला था, और मुझे ये याद है कि मैं उनको कहता था कि आप ये अपनी जो कांग्रेस की बॉडी की रिपोर्ट्स है, सिगार की अपनी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहां ये मसाइल हैं करप्शन के ये, लेकिन वो जो ब्रीफिंग्स थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो अब वक्त ने साबित कर दिया कि वो ब्रीफिंग्स गलत थी। तो इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान पे दोष ना दे। हमें ये समझ आती है कि चीन के साथ जो मुसाबका है, जिसका आज उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की जन असेंबली में तकरीर करते हुए भी कहा कि विग्रसली हम कंपटीशन करेंगे, शुक्र है उन्होंने ये भी कहा कि कोल्ड वॉर नहीं है, तो उसमें भी हम नहीं आना चाहते हैं, उसके बीच में नहीं आ। इसी वजह से पाकिस्तान ने कहा कि चीन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है,
लेकिन हम अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं चाहते, तो लेकिन दूसरी तरफ से भी अमेरिका को भी कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा कदम, क्योंकि ये इस तरह थोड़ी है कि पाकिस्तान खाली सारे जेस्टर्स करे और अमेरिका कोई ना करे। मेरे ख्याल में हमें एक असूली मौकफ के ऊपर थोड़ा डट। मगर चौधरी साहब, अमेरिका का कहना कि हम कोल्ड वॉर नहीं चाहते, मगर उसके बावजूद ये हकीकत है चाइना जिस तरह राइज कर रहा है, रशिया जो पावर गेम्स खेल रहा है, इस खत्ते की सूरत हाल ही अक्सर तब्दील हो रही है। हमारे वजीर आजम ख्वाहां हैं कि अमेरिका हमारे साथ भारत जैसे ही ताल्लुक रखे। इज दैट पॉसिबल? इज देयर नॉट ऑलरेडी अ कोल्ड वॉर और द ब्रिंक ऑफ इट एटलीस्ट? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं पिछले दो साल से कि हम बिल्कुल कोल्ड वॉर की तरफ के धाने पर नहीं है। कभी कभी मैंने कहा है कि वी आर ऑन द कस्प, लेकिन फ्रेंकली कंपटीशन है और ये कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा और मामला चलेंगे, लेकिन ये अमेरिका के लिए भी इतना स्मूथ सेल जो है नहीं है जितना ये समझा जा रहा है। आपने अभी खुद ही मिसाल दी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की उस डील के बाद जो फ्रांस और जून में, उसके फौरन बाद चंद यूरोपीय बड़े मुल्कों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था नहीं, हमारे तो चीन के साथ जो ताल्लुकात वो हैं। अब रह गया ऐसे में पाकिस्तान ने क्या करना है, और पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि अमरीका ने भारत को अपना एक इतिहादी बनाया हुआ है। उसके पिछले हमने पूरा एक स्केच किया है कि कितने एग्रीमेंट्स मिलिट्री मौजूद है। नाज़रीन, बहरहाल ये तो हकीकत है कि पूरी दुनिया के डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं, अमेरिका भी अपने आप को तब्दील करना चाह रहा है, कर पाएगा कि नहीं, अ लॉट हैज चेंज, लेकिन पाकिस्तान में अ लॉट डजंट सीम टू हैव चेंज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उनका यह कहना था कि हमारी पॉलिसी तब्दील तो हो रही है लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पार्लियामेंट को इस मुल्क में कब एतमाद में लिया जाएगा, कब एक यकसा पॉलिसी मुरतब की जाएगी, कब तालिबान और हमारे पड़ोस में नई हुकूमत को किस तरह देखा जाएगा, हमारा ऑफिशियल स्टांस क्या होगा, कब इस मुल्क के अंदर पूरी पार्लियमान जो इज्तिमाई दानिश है इस मुल्क की उसको एतमाद में लिया जाएगा, हम मुंतजर रहे। तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो में कैसे ये पाकिस्तानी अभी भी तालिबान की पैरवी करता नजर आ रहा है, जिसको लेके अमेरिका ने, अमेरिका क्या पूरे विश्व ने ही पाकिस्तान को दरबदर कर रखा है दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ पाकिस्तान भी यही चाह रहा है कि चीन को खुद भी खुश रखे और अमेरिका भी को भी खुश रखे। अमेरिका और चीन का वैसे ही 36 का आंकड़ा है, ये जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अब अगर कुछ भी करना होगा तो बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये आतंकवाद को कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आतंकवाद से ये पैसे कमाते हैं। पता नहीं इनको एक अलग इनकम सोर्स देख रखा है इन्होंने, आतंकवाद की पैरवी, आतंकवाद को फलना फुलाना, क्योंकि जितना इनके सोर्सेज, जितनी इनके देश की जो रेवेन्यू है वो सारी की सारी रेवेन्यू ये सिर्फ और सिर्फ आतंक की कैंपों, आतंकवादियों की ट्रेनिंग और आतंकवादियों को पैसा मुहैया करवा देते हैं और वहीं लगा देते हैं जितनी इनकी इनकम है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब ये सोच रहा है कि चीन भी हमसे खुश रहे और अमेरिका भी हमसे खुश रहे, क्योंकि अभी पीछे दो दिन पहले इनकी जो हरकतें हैं वो भी अमेरिका में देखी गई। इनका एक शहरयार अफरीदी मंत्री है, वो भी जाके वहां पे अमेरिका की एक वीडियो रिलीज कर देता है, कोई लड़की वहां बैठी हुई थी। तो इनकी ये ओछी मानसिकता, ये क्वेश्चन मार्क भी उठाते रहते हैं और उसी के आगे कटोरा लेके घूम जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके सवालिया निशान इनकी नीयत पे और कहीं ना कहीं इनकी सारी मानसिकता पे उठते रहते हैं, क्योंकि ये अभी तालिबान की पैरवी करते करते इनको इतना पता नहीं चला कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम किसके लिए बोल रहे हो, किस ये क्या एक मानव हित में सही है। क्योंकि अभी अफगानिस्तान में लोगों के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, वहां पे लोगों को खाने को रोटियों तक के लाले पड़ चुके हैं, वहां बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं घूमते फिरते ये जाके तालिबान की पैरवी कर देता है और तालिबान की पैरवी करते ही पूरा विश्व के देश, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, पूरा विश्व इनको बायकॉट करने की कोशिश करता है, क्योंकि आतंकवाद के हवाले किसी भी देश को दिया नहीं जा सकता, ये एक साफ और स्पष्ट राजनीति है। जबकि ये बोल रहा है इंटरनेशनल राजनीति शुरू हो गई है, क्या इंटरनेशनल राजनीति का मतलब ये है कि आतंकवाद को फल फूला के और आतंकवादियों के हवाले एक पूरा देश सौंप दिया जाए? ये कभी नहीं होता, ये मानव हित में बिल्कुल भी नहीं है।
इसीलिए अब यही इंटरनेशनल राजनीति पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं तालिबान के आतंकी ही हमेशा अफगानिस्तान पर राज करे। इनसे एक सवाल और उठता है कि अगर आप तालिबान को अफगानिस्तान को सौंपने में आप मदद कर रहे हैं या आप इसके इनके सपोर्टर हैं तालिबान के अफगान को सौंपने में, तो क्या एक तहरीक है तालिबान को पाकिस्तान नहीं सौंप दिया जाए? क्यों सत्ता में बैठे हो अगर इतने ही अच्छे तालिबानी है, तो पाकिस्तान में खुद में एक राजनीतिक संगठन है तालिबानियों का, उनको आप पाकिस्तान सौंप दो, पता चल जाएगा सारा का सारा कैसा क्या रहता है। लेकिन इनकी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं बदलेगी दोस्तों। तो आपने वीडियो में भी देखा, ये राजदूत अमेरिका में बैठ के भी कैसे अनर्गल नाप से नाप बातें कर रहा है, और ये भी एक सहिष्णुता है कि अमेरिका जैसा देश इनको बैठा के इनकी सुन रहा है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा अपने खिलाफ प्रोपोगंडा अपने ही देश में बिठा के नहीं चलवा सकता। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा और इनकी मानसिकता देखी, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।